हेलो गाइस, तो गाइस आज हम रिव्यू करेंगे एक न्यू कोरियन ड्रामे का जिसका नाम है एक्सो किटी। इस ड्रामे की IMDb रेटिंग 6.5 है। गाइस ये ड्रामा हिंदी डब्ड में अवेलेबल है एंड इस ड्रामे की हिंदी डबिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो गाइस ये ड्रामा आप नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। इस ड्रामे में टोटल 16 एपिसोड्स हैं एंड गाइस इस ड्रामे में लीड एक्ट्रेस का नाम किटी है। एंड दोस्तों अब इस ड्रामे की कहानी की बात करें तो इस ड्रामे में किटी एक अमेरिकन लड़की है जो हाई स्कूल में पढ़ती है एंड उसका एक बॉयफ्रेंड है जो कि कोरियन है एंड वो साउथ कोरिया में रहता है। किटी के बॉयफ्रेंड का नाम डे है। किटी को डे से लव हो जाता है एंड डे भी किटी को लाइक करता है। एक दिन किटी को स्कॉलरशिप मिल जाती है। जिस यूनिवर्सिटी में डे पढ़ता है किटी अपनी मम्मी पापा को मनाती है ताकि वो सियोल जा सके। किटी के मम्मी पापा किटी को अवार्ड भेजने के लिए मान जाते हैं एंड किटी सियोल एयरपोर्ट पर एक कोरियन लड़के से मिलती है एंड उस लड़के से वो इंग्लिश में बात करती है। बट गाइस वो लड़का किटी को इंग्लिश में बात करने से मना कर देता है एंड कहता है नो इंग्लिश। किटी इस बात से गुस्सा करती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि उस लड़के को पहले से ही इंग्लिश आती थी बट वो इंग्लिश में बात करना नहीं चाहता था। अब किटी किस यूनिवर्सिटी में जाती है एंड देखती है कि डे की तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है। किटी का दिल टूट जाता है एंड अब गाइज किटी दुखी हो जाती है एंड अब वो उस लड़के से मिलती है जिस लड़के से वो एयरपोर्ट पे मिली थी। एंड दोस्तों उस लड़के का नाम है मिनहो। मिनहो एक प्लेबॉय है। उसने एक सपना देखा कि वो किटी के साथ एक रोमांटिक सीन कर रहा है। जब वो उठा तो उसने सोचा कि उसने ऐसा सपना कैसे देख लिया। अब हमें आगे देखने को मिलता है कि किटी भी कंफ्यूज है कि उसका टेस्ट क्या है। एंड गाइस अगर आपने ये वाला ड्रामा देखा है तो कमेंट में एक्सो किटी लिख देना एंड गाइस बताना कि आपको ये ड्रामा कैसी लगा। एंड गाइस मैंने ये ड्रामा देखा है। मैं इस ड्रामे को 5 में से 4 रेटिंग देना पसंद करूँगी। एंड गाइस अब हम इस ड्रामे को एनालाइज करते हैं कि आप इस ड्रामे को मम्मी पापा के साथ ना देखें क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपके मम्मी एक हाथ में चप्पल और बेलन लेकर आपकी धुलाई कर सकती है एंड बोलेगी कि कैसी औलाद है मेरी, मानती भी नहीं। एंड जिसकी फैमिली खुले विचारों वाली है वो देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दोस्तों ये ड्रामा बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।